अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एशियन कुजीन। आज मैं आपको घर में पसंदे बनाने की रेसिपी दूंगी कि हम पसंदे किस तरह बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये अंडरकट गोश्त लिया था, उसका बड़ा सा मैंने एक पीस ले लिया था जिसको मैंने इस तरह पतले पतले इसमें काट लिया है। अब मैं इनको ये मीट टेंडराइज़र आता है, ये एक गैजेट है, अगर ये ना हो आप तो बुगदे से भी इसको यूँ करके और पसंदों को आप ऐसे फैला सकती हैं। इससे क्या होगा कि पसंदे गल जाएंगे, ये अंदर पसंदों में इस तरह सुराख करेगा, इस तरह मसाला भी अंदर तक चला जाएगा और हमारे पसंदे सुकड़ेंगे भी नहीं। जैसे बहुत से पसंदे होते हैं सुकड़ के गोल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा, पसंदे हमारे फैले रहेंगे। तो इससे हम करके इनको फ्लैट कर लेंगे। इसमें इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमें 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन चाहिए, 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर, ये हम इसमें डालेंगे। और 4 टेबल स्पून इसमें दही जाएगी। और जनाब ये 2 प्याज मैंने ब्राउन की थी, इसमें से थोड़ी सी हम प्याज अपने पसंदों में डालेंगे। इसके अलावा इसमें पिसा हुआ नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट भी जाएगा, ये भी हम इसमें डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हमें पसंदों को किस तरह फ्लैटन करना है। देखिए अब हमें करना ये है कि जो हमने पसंदे काटे हैं उनको इस तरह हम रखेंगे और इस गैजेट की मदद से हम इसमें इतने सुराख करेंगे कि इसका रेशा टूट जाए। इससे क्या होगा कि हमारे पसंदे ऐसे फैले हुए ही रहेंगे, पकने के बाद भी रोल नहीं होंगे, सख्त नहीं होंगे और दूसरा जल्दी गल जाएंगे, राइट। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बुगदा लें, घर में हमारे बुगदा या छुरी तो होती ही हैं, ये लेके आप उल्टी तरफ से इसको ऐसे कर लें, राइट, सीधी तरफ से नहीं, इस तरह से तो ये कट जाएंगे, टूट जाएंगे, इस तरह भी कर सकती है। मेरे पास गैजेट है तो मैं इससे करूँगी। ये सब हम करके ऐसे रखते जाएंगे और सारे हम इस तरह कर लेंगे। देखिए ये हमने सारे अपने पसंदे फ्लैटन कर लिए, अभी जल्दी गल जाएंगे और ये सॉफ्ट भी रहेंगे। अब हम इनको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम ये मसाले इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और जनाब ये है गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, ये सब हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी हम इसमें दही भी डालेंगे, कुछ हम इसकी ग्रेवी में यूज़ करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें प्याज डालेंगे, कुछ हम इसकी ग्रेवी में यूज़ करेंगे, कुछ हम इसमें प्याज डालेंगे हाथों से चूरा करके, ठीक, हम इसमें डाल देंगे। और जनाब इसमें हम 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है पसंदों में। अब ये करके हम इसको मिक्स करेंगे, आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल सकती हैं। देखिए अब हम इसमें 3 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन भी डाल देंगे और इसको भी हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखें हमारा तेल अब गर्म हो गया है, अब हम अपने पसंदों को फ्राई करेंगे। इससे यह होगा कि आपको ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा पसंदों को मसाले के साथ, राइट, उनका शेप भी नहीं खराब होगा।
देखें अब इसी ऑयल में जिसमें हमने तले थे, हम थोड़ा सा असली घी डालेंगे और अब इसी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ठीक, जैसे ही हमारा गरम होगा हम इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे। देखें ये हमारा घी अब गरम हो गया है, अब मैं इसमें साबुत गरम मसाला डालूंगी जिसमें 4 छोटी इलायची हैं, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और ये काली मिर्चें हैं और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट है। सबसे पहले हम इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे और साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे। देखिए हमारा लहसुन अदरक अब भुन चुका है, अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस के लिए मैंने लिया है जनाब 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर, नमक 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसको भूनेंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी पीस के डाल सकती हैं अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है। सिंपली हम इसको बस भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसमें दही डालेंगे, सॉरी हम इसमें पसंदे डालेंगे और उनको गलने के लिए छोड़ देंगे। जब वो गल जाएंगे, थोड़े टेंडर हो जाएंगे, तब हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी डालेंगे। राइट, ये हमारा मसाला भुन जाए। देखिए ये हमारा मसाला भुन चुका है, अब हम इसके अंदर पसंदे डाल देंगे सारे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और जब तक हमारे पसंदे टेंडर नहीं हो जाते तब तक हम इसको स्लो हीट पर पकाएंगे। डाल देंगे, हम इसको ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा सा पानी या दूध डाल दें। से 1/2 कप हमने इसमें पानी डाल दिया है, अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। देखिए अब हम ये ढक देंगे, 10 से 15 मिनट हम पकाएंगे, उसके बाद दही डालकर और कोकोनट डालकर हम इसको भूनेंगे और इस तरह हमारे पसंदे रेडी हो जाएंगे। देखें हमारे पसंदे अब गल चुके हैं, हमने थोड़ा सा पानी डाल के इनको मज़ीद गलने के लिए रख दिया था। देखें बहुत अच्छे हमारे पसंदे गल रहे हैं, यूँ स्पून से ही टूट रहे हैं। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून या 1/2 कप हम दही डाल देंगे। और इसके अंदर हम जनाब 2 टेबल स्पून कोकोनट डालेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट। टेबल स्पून हम इसमें सवा खोखला डाल देंगे और साथ में हमने जो शुरू में अनियन ब्राउन करके निकाली थी तो हम हाथों से चूरा करेंगे। आप पीस के मत डालिएगा वरना आपका जो मसाला है वो दानेदार नहीं बनेगा। राइट, हम हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे और हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे इसमें और 10 मिनट के लिए हम, अगर आपको इसमें ग्रेवी पसंद है तो आप पानी ज़्यादा डालें, तो अगर आपको ये भुना हुआ चाहिए तो आप पानी कम डालें।
पसंदे हमारे गल चुके हैं, हमें सिर्फ इसे दम पे रखना है। स्लो हीट कर देंगे बिल्कुल, इसे दम पे रखना है। देखिए ये हमारे पसंदे अब रेडी हैं। स्टोव को हम ऑफ करेंगे, तो देखिए क्या शानदार हमारे पसंदे बने हैं। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमारे पसंदे अब रेडी हैं, ये कितने शानदार बने हैं। क्या अपीलिंग इसका कलर आया है, और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और इसी तरह घर में आप अंडर कट का एक बड़ा पीस लेकर और घर में ही आप काट के इसके पसंदे बना सकती हैं। तो देखें कितने शानदार बने हैं। आप इसे चपाती के साथ सर्व कीजिएगा, नान के साथ और ताफ्तान के साथ तो बहुत ही मज़ा देते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।